मैं पूछने आया हूं अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे एक बेहद ही गंभीर सवाल। कैसा लगेगा आपको जब आपको बताओ कि आपने जो रोटी खाई है उसको जिसने बनाया है उसने उस आटे में थूक दिया हो? कैसा लगेगा आपको उस वक्त जब आपको बताओ कि आपके यहाँ सालों से जो कुक आ रही है वो आपको जो खाना खिला रही हो उसमें अपना यूरिन मिलाती हो? या फिर कैसा लगेगा आपको जब आप जूस की दुकान में जूस पीने जाएं और अगले दिन पता चले कि आपने जहाँ से जूस पिया वहाँ पे यूरिन की एक बॉटल मिली है? ये बेहद ही संवेदनशील बहुत ही गंभीर विषय है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं और सवाल है कि ऐसा हो क्यों रहा है, क्यों करते हैं ऐसा लोग, आखिर इसके पीछे उनकी मानसिकता क्या है, क्या मजबूरी है, क्या बीमारी है, क्या वो माहौल है, क्या वो सामाजिक वर्गीकरण है जिसकी वजह से उनको ये करना पड़ रहा है? आज अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में इसी की जड़ें टटोलेंगे हम, इसी के कारण ढूंढने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे लोगों से, एक्सपर्ट से, कि आखिर ऐसा होता क्यों है, इसको रोका कैसे जा सकता है, क्या आपके पास कोई रास्ता है, कोई ऐसा साइन है ऐसे लोगों का जो ऐसे लोगों को आप पहचान सकें। अपनी इस ग्राउंड रिपोर्ट में हम यही टटोलने की कोशिश करेंगे और आपके सामने एक मुकम्मल रिपोर्ट रखेंगे। आप रहिए हमारे साथ। देखिए, वैसे मैं आपका दिल खराब नहीं करना चाहता, लेकिन बात कुछ ऐसी है, आजकल वीडियोस वायरल होते हैं, लोग खाना बनाते समय किसी लड़के का वीडियो वायरल हो जाता है वो थूक रहा रोटी बनाते समय, या कोई जूस वाले का वीडियो वायरल होता है उसके यहाँ पेशाब की बॉटल मिली। तो आप लोगों ने जब ये वीडियो देखे हैं, ऐसे देखे हैं, क्या ऐसा मन में आता है उस वक्त जब आपने वीडियो देखे? ये कुछ लोगों की ये मानसिकता होती है, अब उस मानसिकता को हम चेंज नहीं कर सकते। तो अब इन लोगों को तो भाई कुछ ना कुछ तो करना चाहिए हमारी सरकार को या किसी को कि ऐसे लोगों को बंद करा जाए। कुछ लोग इसमें हिंदू मुस्लिम का एंगल भी जोड़ देते हैं। है तो है उसमें, क्या हिंदू मुसलमान तो है ही, हिंदू तो नहीं कर रहा, मुसलमान ही कर रहे जो कर रहे हैं। हिंदुओं के भी वीडियो आए वो भी कर सकते हैं, उसमें भी गलत है, तो वो भी अगर है तो वो भी गलत है। हम कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, हर हालत में होनी चाहिए। ज़्यादातर जो भी हैं मुस्लिम से आ रहे हैं, मगर वो जो गाजियाबाद का है वो हिंदू है। वो ये क्यों करी थी, वो बहुत टॉक्सिक चीज़ थी। ऐसे कोई भी ये ट्रस्ट छूट जाता है इस चीज़ से कि ऐसे मेड्स रखेंगे या फिर कोई किसी का बाहर जाके भी खाना खाएगा, तो इट विल क्रिएट अ इशू फॉर देम। ये तो कोई भी कर सकता है, चाहे कोई भी किसी भी धर्म का हो, किसी भी जिसका हो, कोई भी कर सकता है। लेकिन हाँ, ये यही दर्शाता है कि लोगों की सब मानसिकता जो है बहुत गिर चुकी है। कभी मन में आता है कि कभी कहीं जा रहे हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद पता नहीं हो कैसा खाना खिला रहे हूँ? हाँ आता है, क्यों नहीं आएगा, हर किसी के मन में आता है कि हम सेफ हैं या नहीं है, क्या मिला रहा है कोई, हमें कैसे पता चलेगा। इससे यही पता चलता है कि एक तो लोगों की जो मानसिकता है वो बहुत हेट्रेड वाली हो गई है, और जो ये कर रहे हैं उनकी भी मानसिकता यही दर्शाती है कि अगर हम सफ़र कर रहे हैं तुम भी करो। सवाल ये है कि ये विजुअल्स तो आ गए, ये लोग गलत कर रहे हैं इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन आखिर इनकी जो साइकोलॉजी है, इनका जो मनोविज्ञान है, वो क्या है इसके पीछे करने का, वो ऐसा करते क्यों हैं, वो जानबूझकर करते हैं, वो बीमार हैं, इसके पीछे उनकी आपराधिक मानसिकता है, करते क्यों हैं, इसका कारण क्या है? अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे साथ मशहूर साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर संदीप वोरा हैं, जिनसे हम इस बारे में बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसके पीछे उनकी दिमागी अवस्था कैसी होती है। डॉक्टर वोरा, पहले तो आपका बहुत स्वागत है टीवी 9 भारतवर्ष पर। सर, आपने भी विजुअल जरूर देखे होंगे, न्यूज़ में देखे होंगे, और वो बड़े हम लोगों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, बड़ा मन खिन्न सा हो जाता है कि आखिर ये क्या हो रहा है, कोई किसी को कैसे थूक में सनी हुई रोटी खिला सकता है, कोई कैसे आटों से पैरों से आटा गूंथ सकता है या फिर अपना यूरिन खाने में मिला सकता है। तो सर, ये आपको देख के दिमाग में क्या आता है जब आप ये देखते हैं? देखिए, ये दर्शाता है विकृत मानसिकता कि जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है डेफिनेटली वो नॉर्मल से हटकर कर रहा है। अब जब कारणों की बात आती है तो कुछ लोग इसमें हम ये बोलेंगे कि अंदर से बहुत ज़्यादा घृणा होती है उन लोगों के लिए जिनके लिए वो खाना बन रहा है, अंदर से वो किसी तरीके का बदला लेना चाहते हैं, अंदर से कोई रंजिश है। तो एक ये वो कैटेगरी है जो कि अदरवाइज नॉर्मल होते हैं, बट अपने अंदर जो भी उनके अंदर का एक तरह से खुंदक है किसी पर, या एक उनको लगता है कि वो अदरवाइज हेल्पलेस है, तो अपना गुस्सा कैसे निकालें, एक तो वो कैटेगरी होती है। दूसरी कैटेगरी में आपराधिक प्रवृत्ति वाले जो लोग हैं वो इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करते हैं उनको किसी तरह का गिल्ट नहीं होता क्योंकि उनकी मोरल वैल्यूज़ होती नहीं है। तीसरी कैटेगरी होती है जिसमें सचमुच में मानसिक रूप से आपको प्रॉब्लम होती है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम होती है, जिसका ये पार्ट हो सकता है। बट अगर आप सिर्फ एक ही कैटेगरी में सिर्फ खाने में कर रहे हैं और अदरवाइज नॉर्मल है, तो डेफिनेटली ये आपके अंदर की जो घृणा है उस व्यक्ति के लिए, या अंदर से कोई रंजिश आ जाए, कोई बदला लेना चाहते हैं। अगर आप इसको बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में देखें जो लोग समझ पाएँ, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिससे
क्रॉनिक फ्रस्ट्रेशन जब होता है, क्रॉनिकली आप फ्रस्ट्रेट रहते हैं, तो आपका माइंडसेट उस पर उसके अकॉर्डिंग मूव करता है। जैसे मान लीजिए अगर मैं बहुत दुखी हूँ, किसी चीज़ बहुत दुखी हूँ लगातार सालों से दुखी हूँ, या मेरे मन की बात कुछ नहीं हो रही है और मुझे ठीक नहीं लग रहा है, तो मैं ऐसा कुछ करूँगा कि मुझे ठीक लगे, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन। तो अगर मुझे लगता है कि मैं अगर ये करूँगा तो इससे इसका नुकसान होगा, तो मुझे मज़ा आएगा। कि वो व्यक्ति जो जिसको लगता है कि मैं वैसे तो दूसरे साइड का बदला नहीं ले सकता हूँ, उसको किसी तरीके से नुकसान नहीं पहुँचा, बट अंदर से बहुत ज़्यादा उसके अगेंस्ट है, या कई बार हम देखते हैं जैसे अपने मेड की बात की कि आप कुछ सर्वेंट्स पर गुस्सा करते हैं या आप उनको ह्यूमिलेट करते हैं, कई बार ऐसे होता है कुछ केसेस में हम देखते हैं कि आप पे नहीं देते हैं या आप उनको किसी ना किसी तरीके से टॉर्चर करते हैं, तो वो एक कैटेगरी है जो कि अदरवाइज आपके आगे रिटेलिएट नहीं कर सकती, या उसके ऊपर ये उसके ऊपर लोड है कि उसको घर पे पैसे भेजने हैं तो वो जॉब नहीं छोड़ सकता या छोड़ सकती, तो उसको फिर लगता है कि क्या तरीका है जिससे मैं अपना एक बदला लूं। यदि आप लव एंड रिस्पेक्ट किसी को देते हैं, भले गरीब आदमी भी हो, मतलब किसी को सम्मान और प्यार दे रहे हैं, सम्मान और प्यार दे रहे हैं, तो उसको लगता है कि नहीं ठीक है, आई हैव सम वर्थ। हम लोग कोई भी हो, आप हो, मैं हूँ, कोई भी हो, सबकी एक आइडेंटिटी होती है और सबको लगता है कि मेरा वैल्यू है, वो भले मैकेनिक हो, चाहे कारीगर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे पॉलिटिशियन हो। तो वैल्यू बेस्ड जब लाइफ होता है ना, तो आपका मूव करता है जिंदगी आगे। ये पुलिस ने अरेस्ट किए हैं लोग ऐसे, ये अरेस्ट होने वाले लोग क्या किसी के लिए काम करते थे किसी के बिहाफ पे, क्या ये पेड वर्कर्स थे किसी के, या किसी ने इनको ऐसा करने के लिए उकसाया था, इसका जवाब पुलिस ने आज तक दिया नहीं है। मैं समझता हूँ कि पुलिस को इसकी भी तहकीक करनी चाहिए कि जो आदमी अरेस्ट हुआ है इस नाम पर, क्या वो मोटिवेटेड था या उसका ये कोई सेल्फ एक मोटिवेशन था। ऐसा करके उनको क्या मिल जाता है, उनको क्या मिलता है? जब आप बहुत दुखी होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं, और तो आपको कुछ चाहिए प्लेजर, जिसको बोलते हैं ग्रेटिफिकेशन हम लोग, तो जब वो ऐसा करते हैं उनको लगता है चलो कुछ तो इसका नुकसान हुआ, कुछ तो इसका सफ़र करना पड़ा। और ऐसा तभी होता है जब इमोशनल कनेक्ट नहीं होता है।